अस्सलाम वालेकुम, बीइंग रिपोर्टर के साथ मैं हूँ साले यूसुफ। सबसे पहले तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले पहले T20 इंटरनेशनल मैच की। पाकिस्तान की मुमकिन प्लेइंग 11 क्या होगी आज के मैच के हवाले से बात करेंगे कि बाबर आजम के लिए सीरीज़ कितनी अहम है। तो सबसे पहले जो है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करते हैं। मुमकिन तौर पर 2 से 3 पाकिस्तान टीम में तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, जिनमें ओपनिंग बैटर जो है मोहम्मद रिजवान की जगह मोहम्मद हारिस और वन डाउन में शान मसूद फखर जमान की जगह खेलेंगे। और ज़्यादातर इम्कान यही है कि हैदर अली को भी मौका दिया जाएगा। तो आम हालात में जो है बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करते थे, लेकिन चूंकि वो माइनर इंजरी का शिकार हैं इसलिए उनकी जगह नौजवान बल्लेबाज और विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस को मौका दिया जाएगा। वन डाउन की बात करें तो शान मसूद अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेलेंगे और खासी परफॉर्मेंस देने के बाद काउंटी क्रिकेट में उनका एक बहुत शानदार किस्म का सीज़न रहा है, उसके बाद उनको पाकिस्तान टीम में जगह मिली है। और हैदर अली की बात करते हैं, एशिया कप में वो पाकिस्तान टीम के साथ थे लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया, अब वो ज़्यादा इम्कान चाहिए कि उनको खिलाया जाएगा। आसिफ अली, खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद ये तीनों पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैटर हैं वर्ल्ड कप के लिए भी, और इनमें से दो को आज के मैच में मौका दिया जाएगा। और आसिफ अली और इफ्तिखार अहमद को ज़्यादा इम्कान हैं कि उनको मौका दिया जाएगा। मोहम्मद नवाज़ हैं, इसके अलावा शादाब खान भी खेल सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिस की नहीं है, तो इसलिए उनकी जगह भी कभी इम्कान ये हैं कि उस्मान कादिर या अबरार अहमद में से किसी एक को मौका दिया जाएगा। फास्ट बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो शाहनवाज़ धानी हैं जो कि इंजरी का शिकार हो गए थे लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं। मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, हारिस रऊफ, तो पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली है कि वर्ल्ड कप से पहले जो है अपने तमाम तर कॉम्बिनेशन को आजमा सकता है। 60 T20 इंटरनेशनल मैचेस की तवील ये सीरीज़ होने वाली है और वर्ल्ड कप के लिए एक बेहतरीन तैयारी है। बाबर आजम की आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन उन पर काफ़ी तनकीद हो रही है साबिक खिलाड़ियों की जानिब से और टीम सिलेक्शन के हवाले से भी। यकीनन बाबर आजम जैसे प्लेयर के लिए ये नाइंसाफ़ी है, वो 3 से 4 मैचेस में अगर रन नहीं करते तो उन पर इस तरह की तनकीद की जा रही है। साबिक खिलाड़ियों को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर्स कम ही आए हैं। नो डाउट बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और होता है, हर खिलाड़ी से होता है कि हर मैच में सेंचुरी या 50 स्कोर नहीं कर सकता, तो उन पर तनकीद जो है बिल्कुल नाजायज़ है और सरासर ज़्यादती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लैंड क्रिकेट टीम की, तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम में भी कोई खासी तगड़ी नहीं है। बेन स्टोक्स, लियाम लिविंगस्टन, जॉस बटलर दौरे पर आए हैं लेकिन वो इंजरी का शिकार हैं। तो यकीनन इंग्लैंड की भी एक बी साइड है और एलेक्स हेल्स 3 साल बाद जो है उन्होंने टीम में कमबैक किया है। उन पर पाबंदी लगाई गई थी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से, तो उनका टीम में आना भी इंग्लैंड क्रिकेट टीम को काफ़ी मजबूत बनाएगा। और इसके अलावा उनके फास्ट बॉलर्स में बात की जाए, क्रिस वोक्स हैं, रीस टॉपली हैं, ये दोनों ही इंजरी का शिकार हैं। और फास्ट बॉलिंग में भी उनके रिचर्ड ग्लीसन हैं जिन्होंने इंडिया के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। और स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो मुईन अली और आदिल राशिद जो हैं उनका कॉम्बिनेशन भी देखने वाला होगा। और यकीनन ये तमाम 7 के 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस दिलचस्प होने वाले हैं और पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो इंग्लैंड को शिकस्त देकर हाई मोराल के साथ वर्ल्ड कप में जा सकता है। तो मज़ीद इस सीरीज़ के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज के मैच में जो है पता किसकी होगी, पाकिस्तान या इंग्लैंड, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। बीइंग रिपोर्टर से दीजिए सवाल को इजाज़त। अल्लाह।